राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महान सोच वाले एक साधारण व्यक्ति थे। वे करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में विचारों और कर्मों से ना जाने कितने लोगों का व्यक्तित्व बदला और उन्हें सही रास्ता दिखाया। बापू ने जीवन जीने की कला, मानव और सफलता प्राप्ति के लिए कई विचारों का प्रसार किया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद बापू आज़ादी दिलाने में जुट गए। बापू का जीवन सभी के लिए एक दार्शनिक और प्रेरणा का स्रोत है। बापू ने छात्रों के लिए भी कई ऐसे विचार दिए हैं जो अमल में लाए जाए तो व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ एक नज़र महात्मा गांधी के ऐसे विचारों पर। उनका पहला विचार है, व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वह बन जाता है। दूसरा, कमज़ोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, क्षमाशील ताकतवर की निशानी है। तीसरा विचार है कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। धैर्य का छोटा सा हिस्सा भी एक टन उपदेश से बेहतर है। चौथा उनका है, गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है, न कि लक्ष्य तक पहुंचने में। पांचवा विचार, आप जो करते हैं वह अनन्य होगा, लेकिन आपके लिए वह करना बहुत अहम है। छठा विचार, हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज़्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। सातवां, किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाज़ा हम वहाँ जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। आठवां, कोई कायर प्यार नहीं कर सकता है, यह तो बहादुरी की निशानी है। नौवां, बापू ने कहा कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, न कि सोना और चांदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।